Hi friends, welcome to my channel Excel World of Knowledge. So friends, आज हम सीखेंगे एक VLOOKUP हम different sheets से कैसे लगा सकते हैं. तो ये बहुत ही interesting topic होने वाला है. हमें बार बार VLOOKUP लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सिर्फ एक single VLOOKUP लगाएंगे और ये तीनों sheet का जो data है वो एक ही बारी में मेरे यहाँ पे populate हो जाएगा. अगर आप मेरे channel में नए आए हैं, मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो फ्रेंड्स क्विकली जाके सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट एक्सेल अपडेटेड वीडियोस. सो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और यहाँ पे मुझे टोटल सेल निकालनी है, जहाँ पे मेरा आधी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट शीट में है, एज इन योर सेकेंड शीट. I have few information on my third sheet and few of the information on my fourth sheet. अब मैं चाहता हूँ, I just want to apply one VLOOKUP and all the information get populated here. So वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम second sheet में जाते हैं, जहाँ से मुझे data populate करवाना है. मैं entire column जहाँ भी data पड़ा हुआ है मैं उसको select करूँगा और इसका name change कर दूँगा. मैं कुछ भी एक name दे सकता हूँ. For an example मैं देता हूँ table one. मैंने एंटर कर दिया. सिमिलरली मैं शीट टू में जाता हूँ, शीट टू का नेम दे देता हूँ टेबल टू, एंटर. शीट फोर में जाता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ टेबल थ्री, एंटर. सो अब मेरा ये जब भी मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली बता देगा टेबल. मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए? हमेशा सेकेंड कॉलम से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो चलिए अप्लाई करते हैं एक अच्छा सा VLOOKUP. सो अप्लाइंग VLOOKUP. नाउ हमें कहाँ से VLOOKUP लगाना है? फ्रॉम दिस. अब हमने फर्स्ट शीट का नाम हमने टेबल वन दे दिया था. सो विल जस्ट राइट टेबल वन और टू कॉमा जीरो. अब देखिए ये मेरा टेबल वन की इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करके दे देगा. अब मैं नीचे तक ट्रैक करता हूँ, ये देखिए. मगर हाफ में हैश एन ए आ जाएगा, तो हैश एन ए रिमूव करने के लिए मैं लगा दूंगा इफ एरर. अब मैंने इफ एरर लगा दिया. अब मैं इंटायर फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ. बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है. अब आपने एक कॉमा लगाना है. आई एम सॉरी मैं इफ एरर भूल गया, फिर से लगाते हैं इफ एरर. मैं इस एंटायर फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, यहाँ एक कॉमा लगाता हूँ, वैल्यू पेस्ट. फिर से कॉमा लगाता हूँ, वैल्यू पेस्ट. नाउ आई हैव डन दिस. अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा ये टेबल वन था, दूसरे शीट का नाम हमने दिया था टेबल टू और तीसरे शीट का नाम हमने दिया था टेबल थ्री. जी हाँ. सो हमने इफ एरर इसमें फर्स्ट टेबल में लगाया है, सेकेंड टेबल में लगाया है, थर्ड टेबल में हमें ये इफ एरर का फॉर्मूला हटा देना है. जी हाँ, ये वाला आप ये हटा दीजिए. अब एंड में आके आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. दैट्स इट. एक और मुझे ब्रैकेट लगाना, वो ऑटोमेटिकली लगा देगा. सो Now you have the information. I just put a lookup. अब मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और मैं कंट्रोल और डी प्रेस कर दिया. सो देखिए फ्रेंड्स, इसने एक ही बारी में हमें सारी शीटों से लुकअप पॉपुलेट करवा के दे दिया. अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं, सो लेट्स टेक जर्मनी. हम देखते हैं जर्मनी हमारी कौन सी शीट में है. फर्स्ट इसमें नहीं था, इसमें था. जर्मनी का वैल्यू है 145. अब आप शीट में देखिए, यस इट्स करेक्ट. सो वी आर गेटिंग 145. सो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहाँ पे ही मैं खत्म करता हूँ. इजी टॉपिक था आप लोगों के लिए. एक VLOOKUP आप मल्टीपल शीट से कैसे लगा सकते हैं. दिस गोइंग टू बी अ रियली रियली इजी टास्क फॉर यू गाइज. आई एम प्रीटी मच श्योर. आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर ज़रूर दीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय.